हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम देखने वाले प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर का रिव्यू। इसमें उसका नैक ग्रेड देखेंगे, इनटेक कितने, वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं, इस सारी बातें आज हम जानने वाले। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में आता रहता है। तो चलिए देखते हैं। एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, कॉलेज का नाम जो है मॉडर्न कॉलेज पुणे है, शिवाजी नगर में आता है। तो ये जो कॉलेज था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1970 में, पुराना कॉलेज है। और इसका जो एप्लीकेशन आईडी है यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका जो एड्रेस है वो है शिवाजी नगर पुणे, कॉरपोरेशन एरिया में आता है शिवाजी नगर में। और इसका वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो इसमें आप विजिट कर सकते हो। और एक यूनिवर्सिटी एडेड कॉलेज है, और एक एटोनॉमस कॉलेज है मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर। ये एटोनॉमस कॉलेज और नॉन माइनॉरिटी है, मतलब यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी की सीट्स अवेलेबल नहीं है। जो एटोनॉमस कॉलेज होते हैं वो अच्छे होते हैं बाकी कॉलेज से। और ये अफिलिएशन देखोगे तो ये सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज है। उसके बाद इसका जो नैक ग्रेड है वो ए प्लस है। ए प्लस बहुत अच्छा ग्रेड माना जाता है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। और जो हॉस्टल है यहाँ पे, तो बॉयज हॉस्टल 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है बॉयज के लिए। उसके बाद जो 60 सीट्स गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल है हॉस्टल। उसके बाद जो कोर्स है और उनके इंटेक है, देखिए बीएससी कंप्यूटर साइंस जो है तो उसके लिए 264 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस जो है 165 यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद एमएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है उसके 33 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद बीबीए सीए जो होता है, बीबीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके जो है 264 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये भी आप देख सकते हो, बहुत सारी सीट्स यहाँ पे इनटेक यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर है इनका, तो वो लगभग 45,000 से लेके 1,50,000 तक जाता है। कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसके वजह से जो फीस कम ज़्यादा हो जाती है। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं जो आपको रिप्लाई दे दूंगा। और कोई और कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट करके उस कॉलेज का नाम बता सकते हो, उस पर भी मैं रिव्यू ला दूंगा।